रक्षे में चप्पल बांधना कैसा, हिंदुओं की पुरानी आदत के जैसा। ये साले पोल्ट्री बांध के लाए इंडिया से, गठरी जिसको कहते हैं, वो ला के इन्होंने यहाँ खोल दी बस। सब इनके घड़े हुए अकीदे हैं। तभी तो जर्जीस भाई ने कहा था, जर्जीस अंसारी ने तभी कहा था कि ये बड़ी मूर्ति को पूछते, हिंदू खड़ी मूर्ति को पूछते, फ़र्क कोई नहीं है। सही है, ये चप्पलों की पूजा करने वाले, चप्पलों को अपने सरों पे रखने वाले, चप्पलों पे अकीदे रखने वाले, चप्पलों पे ईमान रखने वाले। सही है, फिर नबी की ही चप्पल पे, कई दफ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहि सलातो वसलाम की चप्पल लेके, आपकी नायलन लेके उसी पे नाम लिखने, आपका कौन लोग हो तुसी, सर्टिफिकेट पेश करो, गुस्ताखे रसूल नंबर वन तुसी है। ये बेड़ा गर्क कर दिया है अवाम का, उनकी सोचों का, लोगों के ईमान है अभी चप्पलों पर। रक्षे में हर 90% यहाँ पर रक्षे जो हैं वो चप्पलें बांध के घूम रहे हैं। सही है, चप्पलों पे ईमान है उनके, चप्पलों पे भरोसे हैं, चप्पलें बंधी हुई हैं रक्षों में। कहाँ से आए हो यार, क्या हिसाब है तुम्हारा, हिंदुस्तान से तुम लोग आए हो? सही है, बरेली की पूजा करने वाले लोग हो तुम लोग, चप्पलों पे भरोसे हैं तुम्हारे, तुम चप्पल पे नबी का नाम लिखो, तुम चप्पल रक्षे में बांधो, तुम चप्पल अपने सर पे लगाओ, तुम चप्पल खाओ, चप्पल पियो, चप्पल पे नाचो, वो भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो, गुस्ताखे रसूल असल में तुम हो, दूसरों को ना बोलो। सही है, दूसरे तो आपकी हदीस पे अमल करते हैं। मैं तो खुद घर का भेदी हूँ, कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, तो वो हिसाब है अपना। तो मैं तो तुम्हारे खुद मामला तो से तंग आके अल्हम्दुलिल्लाह आज अहले हदीस को फॉलो करता हूँ। मेरी बातों से अहले हदीस का कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैं दिल से लाइक करता हूँ अहले हदीस को, ईमान से लाइक करता हूँ, मेरी जान भी जाए तो मसला नहीं। क्योंकि इस दौर में हक पर सिर्फ एक मसला के, जिसे अल्लाह ने काबे में भी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अहले हदीस है। ठीक है, फिर दोबारा बोलूँगा मैं वही अपना पुराना डायलॉग, अपने दिमाग का इलाज करवाओ भाई, इलाज करवा लो, गुस्ताखे रसूलो, चप्पलों की पूजा करने वालों, मेरे आका का चप्पल पे नाम लिखने वालों, गुस्ताखे रसूलो, छोड़ दो ये सब धंधे जिनके अंजाम है आखरत में गंदे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ज़बरदस्ती तुमसे मनवा नहीं सकते, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इलियास कादरी करोड़ों रुपए, ये जो रसूल की चप्पल पे नायलन पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका की नायलन पे जो रसूल लिखा हुआ होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होता है, इसी से करोड़ों रुपए कमा रहा है यार वो। और हम अगर इसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम हैं असल गुस्ताखे रसूल इनकी नज़र में। हम बोल रहे हैं हाथ जोड़कर, तुम्हारे पैर पकड़कर, कि रसूल की नायलन पे अल्लाह का नबी का नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और कई सूरतें आयते तक। इलियास कादरी से तो पूछा ना जब कि भाई ये नायलन पे अल्लाह का नाम लिखना, तो वो कह रहे हैं ये तो कुरान पे भी छपे हुए हैं, कई पुराने कुरानों पे हमारे बुजुर्गों ने छापे। अरे यार, हम तो यहाँ जिक्र कर रहे हैं नबी का नाम, तुमने तो कुरानों पे छापे हुए तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पास तो बड़े सर्टिफिकेट हैं, हम तो छोटे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि ये तौहीन है। सही है, अल्लाह के नबी की नायलन लो, आप उसी पे उसका नाम लिख दो, और जब हम तुम्हारी चप्पल पे तुम्हारी तस्वीर लगाएं तो वो तुम्हारे मुरीद कहते हैं ये तुमने हमारे बाबा की कर दी तौहीन, तौहीन तुम कर रहे हो भाई। मेरे रसूल का नाम जो कुछ कुरान के हरूफ हैं, आप उनका नाम, प्यारे आका का नाम जिसके लिए मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान कटने पिटने मारने के लिए तैयार है अपने नबी के सिर्फ नाम के ही लिए। सही है ना, तो तुम उनका नाम क्या एक्सपेक्ट करते हो, नायलन पे लिखते हो। तो हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ से बाज आ जाओ, तौबा कर लो, मरने से पहले अल्लाह से रुजू कर लो, अपनी गलतियों से कोताही से जो ना बाज आ जाओ। सही है, ये बिजनेस बंद कर दो, चार पैसों के लिए तुमने अपनी काली रोटी के लिए, अपनी क्या कहते हैं मुर्गे की एक टांग के लिए तुमने पूरे मुर्गे की वाट लगा डाली है भाई। सही है, एक बोटी के लिए तुमने पूरा बकरा ज़ाया कर दिया है। कौन लोगो, कौन हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? हम तो खुद बरेली थे भाई, चेंज हो गए। सही है, अल्लाह ने हिदायत दी और इन मामलातों से बाज आ गए। अगर कुछ करना ही होता है ना, कुरान या नबी के फरमान से साबित होता है तो वो काम करते हैं। और अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, मेरे नबी की गुस्ताखी करना तुम लोग छोड़ दो। पहले तो ये बिज़नेस अपना बंद करो, जो नायलन पे तुम नाम लिख लिख के चला रहे हो ना, ये बिज़नेस करोड़ों खरबों रुपए का जो तुम्हारा बन जाता है महीना सालाना, उसको बंद करो। सही है, मेरी नज़र में तो ये तौहीन है यार, तुम उनकी चप्पल लो,
और फिर उसी पे उनका नाम प्यारा नाम लिख के तुम बेच रहे हो, सरों पे लगवा रहे हो, लोगों के घरों पे लगवा रहे हो। बिजनेस करना यार, और हज़ारों आइटमें हैं वो बना लो ना यार, कोई नया शो पीस, कोई डेकोरेशन पीस, कोई अपना आर्ट कलाकारी, कोई अपना फिल्म बना लो, जैसे कि तुम चाहते भी हो, फिल्मों का बड़ा शौक है कई मौलानों को, भाई वो काम कर लो। बा खुदा ये नायलन से बहुत बेहतर है वो काम। ये जो तू रसूल की चप्पल पे जो अल्लाह और रसूल का नाम लिख के, और हद तो ये हो गई जब तुझसे पूछा गया तो अभी क्या करूँ यार, बदतमीजी पे आना पड़ता है ना। तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो और तुम्हारे मुरीद ऐसा, उनके दिल जलते हैं तुम्हारी तोहिन सुन के। यार हमारे दिलों से पूछो, हम रसूल की तोहिन सुन के ना कैसे खामोश रहते हैं। हमारे दिलों से पूछो, क्यों रसूल के नाम पे जो रसूल की तोहिन कर रहे हैं ना, वो हमारे अपने ही हैं। अवाम बेचारी भोली है, मौलवियों के पेट का मसला है, सही है। तो भाई हक पर नहीं है ये मसलक, ये फिरका वारियत की लानत है ये, बस और कुछ भी नहीं है। और फिरका वारियत की लानत से एक ही मसलक है पाक, और जो क्यामत तक अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक क्यामत तक एक मसलक हक पे रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अहले हदीस है। और फिरका वारियत की लानत ये लोग फैला रहे अपने अपने मामलात गढ़ के। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है, ये जहन में रखना, वो कोई फिरका नहीं है। उसका हर पॉइंट, हर नुक्ता, हर नज़रिया अल्लाह और उसके रसूल की हदीस से आ रहा है, सही है, कुरान हकीम से आ रहा है या हदीस से आ रहा है, तो वो कोई फिरका नहीं है। फिरका तुम लोग हो, और जब फिरका बनता है तो चपले में अपना क्या कहते हैं, रक्षों में चपले टांगना, ऐसी हरकतें पैदा होती हैं। अल्लाह के रसूल की चपलों पे उनका नाम लिखना, ये हरकतें पैदा होती हैं, सही है। अजीबो गरीब रंग बिरंगे झंडे बनाना, ये बिजनेस है यार, सिर्फ बिजनेस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस इन्हीं चीज़ों में चल रहा है, और वो इलियास कादरी साहब पैदा कर रहे हैं, रंग बिरंगे झंडे, सही है। कभी वो अल्लाह के रसूल की नायलन पे उनका नाम लिख लिख के, बस क्या क्या करते हैं यार, अल्लाह इनको हिदायत दे। सिर्फ दुनिया के माल में लगे हुए, जैसे इन्होंने मरना ही नहीं है। क्या बोलूँ यार।